हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस सेशन में हम लोग पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट IMRE का चैप्टर 3 का 4वां लेक्चर देखेंगे। इसके पिछले वीडियोस में हमने चैप्टर 3 के काफ़ी सारे टॉपिक को कवर किया था, जिसमें हमने आपको चैप्टर 3 का 3.2 ये बता रहे थे। तो आज के सेशन में इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे के जो टॉपिक है सभी टॉपिक को इस वीडियो में कवर करेंगे। पिछले काफ़ी दिन से वीडियोज नहीं आ रहा था, कुछ दिक्कत हो गया था, इसलिए वीडियोज नहीं ला पा रहे थे। रेगुलर चलेंगे और IMRE सब्जेक्ट जो है जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करेंगे। और आपके एग्ज़ाम का डेट भी बढ़ गया है, मतलब कि अब आपका एग्ज़ाम जो है 15 जून से होगा। तो काफ़ी सारा टाइम, काफ़ी ज़्यादा टाइम है सिलेबस को ख़त्म करने के लिए। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को पर्सनली शट डाउन लेना होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फॉल्ट वगैरह हो जाता है या ट्रांसफार्मर में फॉल्ट हो जाता है, तो उस समय क्या होता है, हमको शट डाउन लेने की आवश्यकता होती है। तो अगर किसी व्यक्ति को पर्सनली शट डाउन लेना है तो वह क्या प्रोसेस होगा उसका शट डाउन लेने का, इन सब के बारे में बताया था। तो जो आपका टॉपिक था अरेंजिंग ऑफ शट डाउन पर्सनली, इसको बता दिया था हमने। तो अब जो आपका आज का टॉपिक है वो है लोकेशन ऑफ फॉल्ट यूजिंग मेगर। तो आप लोग चैप्टर 3 का सिलेबस देख लीजिएगा और उसी के अकॉर्डिंग आप नोट्स भी बनाइएगा जो यहाँ पर हम कंटेंट आपको दे रहे हैं। तो आपका देखेंगे वहाँ पर जो टॉपिक है लोकेशन ऑफ फॉल्ट यूजिंग मेगर, मतलब कि मेगर का यूज करके हम किसी वायर में, किसी जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं अगर उसमें फॉल्ट होता है तो उस फॉल्ट को हम कैसे फाइंड करते हैं, ये पढ़ना है आपको। देखिए जो मेगर होता है, वो मेगर जो होता है एक प्रकार का हाई रेजिस्टेंस मापने का यंत्र होता है। इसका प्रयोग 1 मेगा ओम से अधिक रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो मेगर आप लोगों ने देखा होगा, इलेक्ट्रिकल लैब में देखा होगा, मेगर की सहायता से हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को मापते हैं। और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस मापते हैं किस रेंज तक, 1 मेगा ओम से अधिक रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए हम मेगर का यूज करते हैं। और इसके द्वारा क्या क्या करते हैं, इसके द्वारा हम लीकेज करेंट, इंसुलेशन टेस्ट तथा अर्थ टेस्ट भी करते हैं। तो टॉपिक हमारा यही है कि जो कंडक्टर होता है, जो वायर होता है, उसमें हम फॉल्ट को किस प्रकार से फाइंड करेंगे, किस प्रकार से फॉल्ट को प्राप्त करेंगे, मतलब कि मेगर की सहायता से। तो जो लाइन कंडक्टर आपका होता है, यहाँ पर देख सकते हैं जो लाइन कंडक्टर मतलब जिससे इलेक्ट्रिक जो होता है, इलेक्ट्रिक का सप्लाई एक छोर से दूसरे छोर तक होता है, उसे बोलते हैं लाइन कंडक्टर। तो लाइन कंडक्टर जो होता है उसमें निम्न प्रकार के फॉल्ट हो सकते हैं, जैसे कि अर्थ फॉल्ट आता है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ओपन सर्किट फॉल्ट। अब इन फॉल्ट को हम कैसे फाइंड करते हैं मेगर की सहायता से, वो देखेंगे। तो अगर यहाँ पर देखिए, अगर बात करें हम अर्थ फॉल्ट की, तो अर्थ फॉल्ट क्या होता है, देखिए जब केबल का कंडक्टर पृथ्वी के संपर्क में आता है तो इसे अर्थ फॉल्ट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई केबल है वो पृथ्वी के अंदर गया है, अब जब केबल का जो कंडक्टर होगा वो किसी प्रकार से, मतलब कि उसमें कुछ दिक्कत आ जाएगा और वो अर्थ के संबंध में आ जाएगा, तो उसे ही बोलते हैं अर्थ फॉल्ट। इस प्रकार के फॉल्ट में करंट जो होता है लीक होकर डायरेक्ट पृथ्वी की ओर जाता है, जहाँ पर कंडक्टर कनेक्ट रहता है, और वहाँ करंट नहीं जाने के बजाय, कहने का मतलब जो इस प्रकार का फॉल्ट होता है इसमें क्या होता है, जब आपका लाइन कंडक्टर जो वो मतलब कि पृथ्वी के संपर्क में आ जाता है तो जो करंट होता है वो लीक होकर पृथ्वी की ओर जाता है, कंडक्टर की तरफ नहीं जाता है, इसी को बोला जाता है अर्थ फॉल्ट। और देखिए जो आपका अर्थ फॉल्ट होता है यह तब उत्पन्न होता है जब केबल का आउटर शीथ केमिकल रिएक्शन की वजह से विथ सॉइल, मतलब कि डैमेज हो जाता है। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए देखिए यहाँ पर इस चित्र को समझिए, जो थ्योरी लिखे हैं वही चीज़ यहाँ पर बताएं। जैसे मान लीजिए क्या है आपका, ये एक कंडक्टर है, जो आपका कंडक्टर है और इस पर क्या किया गया है, ऐसे करके इंसुलेशन किया गया है। अब इंसुलेशन जो है किसी प्रकार से, मतलब कि केबल का जो आउटर शीथ जिसे बोलते हैं, वो किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से, किसी भी वजह से जो इंसुलेशन होता है वो डैमेज हो जाता है, तो क्या होता है, जो लाइन कंडक्टर होता है वो अर्थ के संपर्क में आ जाता है, इसी को बोला जाता है अर्थ फॉल्ट। अब देखिए मेगर का उपयोग करके हम भूमिगत केबल में फॉल्ट के प्रकार का पता लगाना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उस फॉल्ट के लोकेशन को पता करना मुश्किल होता है। मतलब आप ये पता लगा लेंगे कि इसमें फॉल्ट है, लेकिन फॉल्ट किस स्थान पर है ये पता करना ज़्यादा मुश्किल होता है। लोकेशन का पता लगाने के लिए एक स्पेशल टेक्निक्स की आवश्यकता होती है। अब देखिए यहाँ पर जैसे मेगर को हम क्या करते हैं, फेज तार और अर्थ के बीच लगाने पर नियरली शून्य दिखाना चाहिए, अगर शून्य नहीं दिखाता है तो अर्थ फॉल्ट नहीं है। अब देखिए इसी में आपका है नेक्स्ट जो है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, अगला टॉपिक है इसी में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। देखिए अगर लाइन कंडक्टर में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है
तो मेगर को लाइन के सिरों पर लगाने पर जीरो दिखाना चाहिए। अगर शून्य नहीं दिखा रहा है तो शॉर्ट सर्किट फॉल नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं शॉर्ट सर्किट फॉल कुछ इस प्रकार से होता है। यह आपका कंडक्टर वन है और यह आपका कंडक्टर टू है। दोनों के बीच अगर किसी प्रकार से शॉर्ट हो जाते हैं तो इसे ही बोला जाता है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। अब नेक्स्ट है आपका ओपन सर्किट फॉल्ट। तो देखिए अगर लाइन में खुला परिपथ दोष होता है तो कैसे जानेंगे, तो क्या करेंगे हम मेगर का यूज करेंगे। तो मेगर को जब लाइन के सिरों पर लगाएंगे तो इसमें इनफाइनाइट दिखाना चाहिए, लेकिन अगर इनफाइनाइट नहीं दिखा रहा है तो ओपन सर्किट फॉल्ट नहीं है। तो कहने का मतलब यहाँ पर तीन स्थितियाँ हो गई, अर्थ फॉल्ट, ओपन सर्किट फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। ओपन सर्किट फॉल्ट में क्या होना चाहिए, मेगर का जब यूज करेंगे तो वहाँ पर इनफाइनाइट मेगर में शो करना चाहिए, लेकिन अगर इनफाइनाइट नहीं दिखा रहा है तो उसमें ओपन सर्किट फॉल्ट नहीं है। तो एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेगर की सहायता से हम फॉल्ट को कैसे फाइंड करते हैं। तो यही तीनों चीज़ आपको लिखना होगा। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ ओपन आर लूज न्यूट्रल कनेक्शन। ठीक है, मतलब कि जो न्यूट्रल का कनेक्शन करते हैं अगर वह ओपन रहता है या लूज कनेक्शन करते हैं तो उसका जो सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए जो सिंगल फेज होता है उस पर क्या होता है, कोई भी अप्लायंसेस का मतलब होता है घरेलू चीज़ें जो भी यूज करते हैं उसे अप्लायंसेस बोला जाता है। तो सिंगल फेज पर किसी भी अप्लायंसेस को चालू करने के लिए हमको न्यूट्रल और फेज दोनों वायर का सही से जुड़े होना ज़रूरी होता है। यहाँ पर कहना यह चाहता है कि जो सिंगल फेज सप्लाई से अगर कोई चीज़ हम चला रहे हैं जैसे इलेक्ट्रिक प्रेस हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, कुछ भी अगर चला रहे हैं तो वहाँ पर हमको कंप्लीट पूरी तरह से फेज और न्यूट्रल होना चाहिए और दोनों का कनेक्शन सही से जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि जो सिंगल फेज होता है उसमें न्यूट्रल वायर और सिंगल फेज दोनों ही क्या करता है, सर्किट को पूरा करता है। अब देखिए करंट जो होना चाहिए फेज वायर से न्यूट्रल वायर की तरफ फ्लो होता है। इफेक्ट क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या है, इफेक्ट एक लूज न्यूट्रल वायर की वजह से कनेक्शन के चारों तरफ एबनॉर्मल आर्क उत्पन्न हो सकता है। अब आप सोच सकते हैं अगर कोई कनेक्शन आप जैसे यहाँ पर वायर कनेक्ट कर रहे हैं अगर ये लूज है तो हल्का सा भी इसमें वाइब्रेंट होगा तो यहाँ पर क्या होगा, आर्क जनरेट होगा, मतलब चिंगारी जनरेट होगा। तो यहीं पर कह रहे हैं कि जो न्यूट्रल वायर अगर हम लूज कनेक्शन करते हैं उसकी वजह से कनेक्शन के चारों ओर एबनॉर्मल आर्क उत्पन्न हो सकता है और आर्क की वजह से क्या होगा, आर्क में हीट होता है तो आर्क की वजह से न्यूट्रल वायर जो होता है अनयूजली हॉट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है इसका इंसुलेशन जल सकता है। आप लोग खुद ये इमेजिन करके देख सकते हैं अगर हम कोई कनेक्शन न्यूट्रल हो या फेज हो कुछ भी हो अगर हम उसको लूज कनेक्शन करते हैं तो थोड़ा सा भी हिलने पर या वाइब्रेंट होने पर उसमें आर्क जनरेट होगा और आर्क की वजह से जो अगर आपका जो वायर का इंसुलेशन है वो जल भी सकता है। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा भी है कि अ लूज न्यूट्रल वायर इज आल्सो द कॉज ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन फायर्स इन योर हाउस, मतलब कि लूज न्यूट्रल वायर की वजह से आपके घर में आग भी लग सकता है, इलेक्ट्रिक फायर, मतलब कि अगर लूज रहेगा तो इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक आर्क के संपर्क में जो भी चीज़ें आएंगी वो हॉट होकर जल सकती हैं। तो यही इसका इफेक्ट होता है। देखिए अगर न्यूट्रल तार खुल जाता है तो कंटिन्यूटी टूट जाता है तथा उपकरण जो होता है कार्य करना बंद कर देता है। तो ये था आपका टॉपिक कि अगर हम न्यूट्रल जो अगर जो कनेक्शन करते हैं न्यूट्रल कनेक्शन करते हैं अगर उसको हम ओपन या लूज कर देते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा, और साथ ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में भी आ सकता है। अब देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका अगला टॉपिक है प्रोविज़न ऑफ प्रॉपर फ्यूज ऑन सर्विस लाइन एंड देयर इफेक्ट ऑन सिस्टम, मतलब कि सर्विस लाइन पर प्रॉपर फ्यूज का प्रोविज़न देखेंगे और इसका सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ता है ये देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो सर्विस लाइन होता है सभी सर्विस लाइन जो होता है ओवरहेड लाइन और अंडरग्राउंड लाइन पर फ्यूज का उपयोग किया जाता है। अब आपके मन में होगा कि सर्विस लाइन किसे बोलते हैं, तो आपको घरों तक जो लाइट आती है जो घरों तक मतलब जो ट्रांसफार्मर से जो वायर आता है कंडक्टर आता है आपको घरों तक उसे ही बोला जाता है सर्विस लाइन। तो जो सभी सर्विस लाइन होता है वहाँ पर ओवरहेड लाइन और अंडरग्राउंड लाइन पर फ्यूज का उपयोग किया जाता है। जी ध्यान से आप समझिए, समझ में आ जाएगा आपको। देखिए सभी सर्विस लाइन से घरों को सप्लाई लेते समय सर्विस लाइन तथा एनर्जी मीटर के बीच में फ्यूज लगाना चाहिए, क्योंकि अगर दो मीटर तथा लाइन आप लोगों ने देखा होगा जो घरों में एनर्जी मीटर लगा होता है वहाँ पर जो घरों सप्लाई देते हैं तो जो सर्विस लाइन होती है और एनर्जी मीटर उनके बीच में हम एक फ्यूज लगाते हैं, क्योंकि अगर दो मीटर तथा लाइन के बीच में होता है
तो फ्यूज क्या होता है, पिघल जाता है और वो सप्लाई को रोक देगा तथा सप्लाई सर्विस लाइन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल घर की सप्लाई बंद हो जाएगा। कहने का मतलब जैसे कि यहाँ से अगर सप्लाई आ रहा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक फ्यूज लगा देंगे, ठीक है, ये फ्यूज है और इसके बाद आपका ये एनर्जी मीटर है। तो इस प्रकार से हम जो सर्विस लाइन में क्या होता है, फ्यूज का उपयोग किया जाता है। अब देखिए अगला टॉपिक इसी में आपका कि कॉसेस एंड डिम एंड फ्लिकरिंग लाइट, मतलब कि डिम और फ्लिकरिंग लाइट जो होता है उसका क्या कारण होता है। जैसे कभी कभी होता है लाइट डिम करता है और फ्लिकरिंग मतलब फ्लिकर मतलब कि फ्लिकर मतलब होता है कि जलते रहना, मतलब कि जलना बंद होना जल्दी जल्दी, तो इसी को बोलते हैं फ्लिकरिंग। तो डिम और फ्लिकरिंग लाइट का क्या कॉज होता है, क्या रीज़न होता है, तो देखिए मैंने आपको बताया न्यूज न्यूट्रल की वजह से वोल्टेज जो होता है हाई एंड लो हो जाता है। अब न्यूज न्यूट्रल वायर के कारण वोल्टेज कम ज़्यादा होता है जिससे डिम तथा लाइट का कम ज़्यादा होना होता है। फ्लिकरिंग मतलब होता है लाइट का कम ज़्यादा होना। इसके बाद देखिए डिम तथा लाइट का कम ज़्यादा होने का कारण जो होता है वो होता है लूज न्यूट्रल वायर, टर्मिनल कनेक्शन का सही नहीं होना, जले हुए या टूटे तार के कारण, खराब या जले स्विच के कारण, खराब या जले तार के जोड़ के कारण और लोड बढ़ने के कारण भी लाइट डिम या कम ज़्यादा हो सकता है। तो इसी के साथ आपका आज का टॉपिक जो है समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले टॉपिक को कवर करेंगे।